नमस्कार, ये तस्वीरें आप पानीपत के टोल प्लाजा से देख पा रहे हैं, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन की जो नेता है वो पानीपत एसपीडीसी से मिले हैं। किस बारे में मिले हैं और क्या बातचीत हुई, इस विषय में उनसे बातचीत करेंगे। जिला प्रधान कुलदीप बलाना हमारे साथ बातचीत करेंगे। प्रधान जी, एसपीडीसी से आज मिले हो, बैठक हुई है, किस बारे में बैठक हुई सर? ऐसा है, पहले हमने किसान यूनियन की मीटिंग बुला दी थी किसान भवन में, और जो ऊपर संयुक्त मोर्चा से भी बयान आया और कुछ वीडियो वायरल हुई हैं गुरनाम सिंह की और जो और संगठन के हैं, भाई उन्होंने कहा भाई जो 26 जनवरी है एक राष्ट्रीय पर्व है, किसी राजनीतिक पार्टी का पर्व नहीं है। इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी झंडा फहराए या कोई राजनेता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या है, हमने उस गणतंत्र दिवस का सम्मान रखना है, और मेन हमारे लिए क्या है, जो ध्वज है राष्ट्रीय ध्वज, उसको मान, उसके मान सम्मान को बनाए रखना। किसी प्रकार का उसके प्रोग्राम में राष्ट्रीय ध्वज के जो फहराया जाना उसमें किसी प्रकार का विरोध ना हो, तो उसके लिए पहले मीटिंग बुला दी थी। फिर प्रशासनिक अधिकारियों का मैसेज आया तो हम उनसे मिले। हमने ये जो ऊपर से संयुक्त मोर्चे का जो बयान था उसके आधार पर हमने कह दिया पानीपत किसान यूनियन किसानों को भी कहेगी कि भाई हम एक राष्ट्रभक्त है किसान, भाई देश विरोधी नहीं है। उनका मकसद यही रहेगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए वो कौन पदाधिकारी फहराए, प्रशासनिक अधिकारी फहराए या फिर कोई नेता फहराए, मेन तो है राष्ट्रीय ध्वज। आम उसके अगर प्रोग्राम में व्यवधान डालते हैं तो आम कहीं ना कहीं देशद्रोही साबित होते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल ना होकर हम किसी प्रकार का विरोध ना करें, ना कि उसका इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका मान सम्मान बढ़ाएँ और गणतंत्र दिवस का भी सम्मान बढ़ाएँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए बड़े बलिदानों से हमें आज़ादी मिली है। और इसीलिए इसके साथ एक और है, भाई जो दिल्ली जाए ट्रैक्टर पर झंडा लगा रहा है वो राष्ट्रीय ध्वज के जो नियम उनको भी फॉलो करे और उसके मान सम्मान को झुकने ना दे, शांतिप्रिय तरीके से जाए, उसके झंडे के मान सम्मान को बनाए रखे, इसके लिए मिले। एसपीडीसी ने क्या बात की? उन्होंने यही पूछा था भाई एक राष्ट्रीय ध्वज फहराना या गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है ये, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक और पॉलिटिकल का प्रोग्राम भी नहीं है, भाई आपका क्या व्यू है, भाई आप सहयोग करें। हमने कहा भाई हम इस प्रकार का किसी प्रकार का विरोध नहीं चाहते, क्योंकि गणतंत्र दिवस है और मेन हमारे लिए क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको उसके मान सम्मान को बनाए रखना, उसके लिए हमने प्रशासन वास दो दिन पहले भी आपने ज्ञापन दिया था प्रशासन को, भाई यदि कोई नेता यदि झंडा फहराता तो उसका विरोध कहीं ना कहीं किया जाएगा, और प्रशासनिक अधिकारियों को बोला था कि जो है ध्वजारोहण किया जाए यहाँ पर, ऐसा ऐसा वो सुन नहीं किया जाएगा, ऐसा है, ऐसा नहीं कहा था। ये कुछ बयान तोड़ मोड़ कर दे दिए जाते हैं, मैंने ये ही उसको ज्ञापन दिया, ज्ञापन की एक एक लाइन में लिखा है भाई भारतीय किसान यूनियन पानीपत किसान इसका ध्वज का और गणतंत्र दिवस का सम्मान करती है, इसके साथ पूरा भारत का नागरिक इसका सम्मान करता है, और ना इसके विरोध में है कोई भी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति घुसकर या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आकर यहाँ कोई गतिविधि करता उसके लिए किसान यूनियन जिम्मेदार नहीं होगी। हम शांति प्रिय अपील की थी मुख्यमंत्री से, अभी आज तनाव का मोल है, कोई गलत आदमी, कोई बाहरी आदमी, कोई घुस कर किसी इस प्रकार का व्यवधान करता है तो कहीं ना कहीं पानीपत में शांति भी होगी और पानीपत की बदनामी भी होगी, उसके लिए कौन शांति अपील की थी। अगर सीएम साहब मान जाते तो धन्यवाद, ना माने तो उनकी खुद की है, हम तो चाहते थे शांति बनी रहे यहाँ जिले में। ये नहीं था भाई किसान यूनियन का था विरोध करती है, किसान यूनियन यही कहा था भाई हम तो मान सम्मान करते हैं इसका, और कोई बाहरी व्यक्ति यहीं से जाएंगे, लोग दिल्ली भी जाएंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आकर भी विरोध कर सकता है, तो इसके लिए शांति प्रिय अपील थी, विरोध नहीं था ना कोई चैलेंज था मुख्यमंत्री को, सिर्फ यही था अपील थी भाई शांति, क्योंकि बच्चे भी सब परेड में शामिल होते हैं और मेन हमारे लिए टारगेट है सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज। तो अब क्या निर्णय लिया, क्या फैसला लिया गया? फैसला यही है, हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते और गणतंत्र दिवस का सम्मान करते हैं, जो हमारे से कोई भी कोई नेता फहराए, कोई पदाधिकारी फहराए, हम किसी भी राष्ट्रीय ध्वज का और गणतंत्र दिवस का विरोध नहीं करेंगे। तो कुछ और किसान नेता हमारे थे, बिंटू जी क्या कहना चाहेंगे, एक वीडियो वायरल भी हुई है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संयुक्त मोर्चा की जो हमारी कमेटी भारत थी किसानों की, उसने चूडनी साहब और रतन मान जी ने मिल करके हमें आदेश दिया सभी किसानों को भी जो पर्व है 26 जनवरी इसका कोई विरोध नहीं किया जाए।
क्योंकि ये सभी का है, ये किसी एक पार्टी का नहीं, ये देश का पर्व है और हमें गर्व है भाई इस तिरंगा फहराने में सभी का। तो डीसी साहब और एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई थी भी क्या प्रोग्राम आपका, तो हमारे जो संयुक्त मोर्चा की कमेटी है उसने कहा इसका विरोध नहीं करना किसी का और दिल्ली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली जाएंगे। एक देर रात एक वीडियो वायरल हुई, उसमें कुछ इस तरह की बयानबाजी जो पकड़ा गया है युवक वो कर रहा है, उसको नजरिए से देखिए। उसको देखते हुए हमें बहुत चौकस रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ शरारती तत्व कहीं भी आ सकते हैं, हो सकता है हमारे में बैठे हो यहाँ भी हमने एक रजिस्टर लगाने का दिया, भी रजिस्टर लगाएंगे अपना, जो आएगा हम उसका पूरा बायोडाटा फ़ोन नंबर एड्रेस लिखेंगे, क्या पता मेरे बीच में कोई शरारती हो, बदनाम किसान हो। तो किसान कोई नहीं चाहता भाई यहाँ पर कोई ऐसी बात हो, हम ये चाहते हैं भाई ये राष्ट्रीय पर्व इसको मनाया जाए लेकिन हमें बदनाम ना करें। कुछ लोग हैं अपना रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके लिए प्रशासन से मिल के आए हैं डी साहब और एसपी साहब ने, अभी हम दिल्ली जाएंगे, हम यहाँ को शांतिपूर्ण तरीके से, हाँ हमारा कोई उसमें योगदान तो हो सकता है लेकिन विरोध नहीं है 26 जनवरी का। जी आपका क्या विचार है? यही है जी, जो है राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व अगर सरकार अपना कोई किसी प्रकार का पर्सनल किसान सभा या कोई जो पर्सनल प्रोग्राम करती है ना उसमें तो विरोध करते ही रहेंगे, ये तो एक देश के सम्मान की बात है, इसमें राजनेता अधिकारी सब हमारे लिए तो एक पर्व मनाने के लिए सब बराबर हैं, इसमें किसी में भी जो है ना कोई हमने ये नहीं देखना अगर भाई ये किस वर्ग से है कैसे है क्या है, हमने सब को राष्ट्रीय पर्व हमारा सबके लिए एक बराबर है, उसका राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को ठेस पहुंचे ये हमारा इरादा नहीं है। जयपाल गुराना बी के यू पानी।